बड़े अभी तक एक दूसरे से नाराज है। अब तुम्हें कुछ करना होगा मंजूर। गुड मॉर्निंग दादी। अरे बेटा, ये तुम्हारे गुड मॉर्निंग वाली भाषा हमें समझ में नहीं आती, हमसे नमस्ते किया। अच्छा ठीक है दादी, नमस्ते। खुश रहो। दादी आप क्या कर रही हैं? हम आपकी इसमें सहायता करें? अरे बेटा, हमने अपना चश्मा पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, और देखो ना, हम इस दिए में ये बत्ती ही नहीं लगा पा रहे हैं। तुम प्रयास करके देखो ना जरा। ये दादी, हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हम ये काम दो चुटकियों में कर देंगे। बदले में आपको हमारी एक सहायता करनी होगी। हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। ये देखिए। अरे वाह, दादी हमारे कारण मम्मा डैडी आपस में नाराज हैं, इसलिए हम उन्हें मिलाना चाहते हैं। आप इसमें हमारी सहायता करेंगी? अरे बेटा, हम तुम्हारी बिल्कुल सहायता करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के नजदीक आ जाएं, और ये काम तुम ही कर सकती हो। अमित और रोहित है नहीं तो घर बड़ा खाली खाली लग रहा है। वो लोग कब आएंगे दिल्ली से? वो बुआ जी बिजनेस के सिलसिले में गए हुए हैं, अभी तक फोन तो किया नहीं है। फोन आते ही हम आपको बताते हैं। दादी देखिए ना, एक दूसरे से कितने नाराज हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ सीढ़ियां भी नहीं उतरना चाहते हैं। गिरजा मौसी, नाश्ता लगा दीजिए। नाश्ता तो खत्म हो गया भाभी। नाश्ता खत्म हो गया? कौन खा गया सब कुछ? वो हमने ही खा लिया सब कुछ। हमें ना आजकल भूख बहुत ज्यादा लग रही है, तो हमें क्षमा कर दीजिए। अरे इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है बेटा, और वैसे भी गिरजा की तबीयत खराब है, वरना हम दोबारा नाश्ता बनवा देते। एक काम करो, तुम दोनों कहीं बाहर जाकर कुछ खाकर आ जाओ। वाह क्या आइडिया दिया है दादी आपने। अब जल्दी से जाइए आप दोनों, हम प्लेट्स उठाकर रख देंगे। रुको अंजू। ज्योति तुम तो पेट से हो, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें नाश्ते में केला खाना और दूध पीना है, फिर तुमने इतना सारा नाश्ता खा लिया। माँ आपको क्या हो गया? आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं कि हम लोग कभी भी बाहर का खाना खाएं। आप तो हमेशा कहती हैं घर का ही खाना खाओ, और आज आप ही हमें बाहर भेज रही हैं। क्या चल रहा है माँ? अरे हमसे पूछिए दादी, आप दोनों को ऐसे भूखा नहीं देख सकती ना, इसलिए आप दोनों को बाहर खाना खाने भेज रही है। अंजोर सच सच बताओ क्या चल रहा है? ओह पकड़ी गए। मम्मा दादी और हम मिलके
आप दोनों का झगड़ा खत्म करना चाहते थे, इसलिए हमने एक प्लान बनाया कि आप दोनों को गाड़ी में कहीं घूमने भेजे और आप दोनों का झगड़ा खत्म कर दे। साथ में समय बिताओगे, वो भी पूरा दिन। हमारे पहले वाले मम्मा डैडी की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते वापस घर आओगे। ये लीजिए गाड़ी की चाबी, अब जल्दी से जाइए। हमें कहीं नहीं जाना। अरे अब दोनों नहीं जाओगे तो आप दोनों के बीच का झगड़ा कैसे खत्म होगा? अंजुर, हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं। अच्छा, तो यही बात डैडी की तरफ मुंह करके बोलिए। अगर आप गुस्सा नहीं दिखाएंगी तो हम समझ जाएंगे कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं चल रहा। ओहो मम्मा, देखिए आपका नाक फुला हुआ है। आपके फेस से पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा है। डैडी, अब आप मम्मा की तरफ देखकर बोलिए। अरे अंजोर, हम तो चाहकर भी तुम्हारी मम्मा से कभी झगड़ा नहीं कर सकते। डैडी, आपने बहुत अच्छा बोला, पर हम जानते हैं आप दोनों के बीच में झगड़ा है। अगर आप दोनों नहीं जाओगे तो हम दूध नहीं पिएंगे, दवाई नहीं लेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे और सारे खिलौने भी तोड़ देंगे। जाओ ना मम्मा, प्लीज जाओ ना। अब लीजिए, जाइए आप दोनों। जाओ ना मम्मा, प्लीज। अच्छा ठीक है, हम जाएंगे। खुश? ये! लेकर आई हो? कोनो अच्छी नहीं ले सकती हो? अच्छी लेकर आओ हमरे लिए। अरे आप कहें तो शोरूम खुलवा दे, पांच सितारा होटल से खाना भी मंगवाई देते हैं। कोनो जरूरत नहीं हमका पांच सितारा के खाने के लिए। कहे कि हमरे लिए खास खाना आवत है, कोनो खास आदमी लेकर। हमका कोनो सितारा पे तारा की जरूरत नहीं है। कोई लड़की इमली देवी के लिए खाना लेके आइए। का कोनो लड़की लेकर आइए खाना हमरे लिए? हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं चल रहा। डैडी, अब आप मम्मा की तरफ देखकर बोलिए। तो जाकर भी तुम्हारी मम्मा के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। मैडम, अगर आपको हमको डांटना है तो डांट लो, गुस्सा करना है तो कर लो, लेकिन ऐसे मुंह फुला के मत बैठो ना। आपको बताएं, हमने जो आपको अपनी तरफ खींचा था वो अपनी खुशी के लिए नहीं किया था। अंजोर की आंखें भूजी हुई थी, तनाव में आके अपनी तबीयत खराब ना कर ले, इसलिए किया था। बस बहुत हो गया राघव, हमें अच्छी तरह मालूम है तुमने ही क्यों किया, और अंजोर के नाम से बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये सब तुमने अंजोर के लिए किया तो हमें ये बताओ कि सवेरे तुम्हारा हाथ हमारे हाथ के नीचे कैसे आया।
मैडम उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप ही ने अपना हाथ हमारे हाथ में रखा था। बहुत हो गया, अब हमें इस पे कोई बात नहीं करनी और कुछ सुनना भी नहीं है। सिर तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया, अपने प्यार का इजहार ही तो किया, तो डाका थोड़ी ना डाला। कुछ कहा तुमने? डायवर्जन, रास्ता बदलना पड़ेगा, हमें लगता है कि ये रास्ता बनाया जा रहा है। पर इतने सालों में तो यहाँ कभी कोई रास्ता नहीं बना, अब कैसे? अरे बम गिर गया होगा इसलिए टूट गई होगी, इसलिए बनवा रहे होंगे। अरे मैडम इतना काहे सोचना है, रास्ता बदल लेते हैं। तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही रास्ता बदलने की, हम जानते तुम ऐसा क्यों करना है। मैडम आप ना तो इस दुनिया को जानती है, ना हमको जानती है, ना अपने आप को जानती है, कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा हमें कुछ नहीं पता, तुम ही ज्ञान देवो ना, तुम्हें सबके बारे में सब कुछ पता होता है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें रास्ता मोड़ना है ना, मोड़ लो, अगर कोई गड़बड़ी हुई ना हम तुमसे तब बात करेंगे। हाँ गड़बड़ी होगी बस। तेरी ये क्या हो गया बे? क्यों ज्ञानदेव, बहुत बोल रहे थे ना रास्ता बदल देते हैं, मोड़ लेते हैं रास्ता, अब क्या हुआ? हमने कहा था कि रास्ता मोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अब बोलो तुम। मैडम एक तो वैसे ही बहुत टेंशन बढ़ गया है, ऊपर से आप ऑल इंडिया रेडियो की तरह हमारे कान में चिक चिक मत कीजिए। इतना बड़ा कुछ नहीं हो गया, पत्थर ही तो है, हम हटा देंगे फिर आगे चल देंगे। वैसे कायदे से तो 5-6 लोगों को ही उठाना चाहिए, लेकिन हमको तो अकेले ही उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको घर जल्दी पहुंचना है, वरना आपका फूला हुआ मुंह और किटकिट करती जवान हमारी जान ले लेगी। अगर तुम्हें हमारी जुबान पसंद नहीं तो अपने कान क्यों नहीं बंद कर लेते? और हाँ, हमारा मुंह तो फूला हुआ ही रहता है, आदत है ना हमारी, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो अपनी आंखें मूंद लो। अरे तो हम कौन सा आपकी तरफ देख रहे हैं? देखो मैडम है ना, ये बोल बोल के पहले ही हमारे दिमाग का भरता बना दिए, ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा तुम लोगों पे निकल जाए, जाओ यहाँ से। तू हमें गुस्सा दिखाएगा और हम देखते रहेंगे। अरे ओ लल्ला सुनो, ये जो है ना ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, अगर खरोच भी आया ना तो तुमको चीर फाड़ देंगे। और देखो लेडीज के साथ ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए तुमको? कीमती चीजें, पैसा ना, बोलो और जाओ यहाँ से। ये लो। लोमड़ी के बच्चे शेर का शिकार करने आए थे, चलिए छोड़िए इनके मुंह नहीं लगना, चलिए। क्या बोला बे? मैडम यहाँ पर माहौल बिगड़ने वाला, आप जाइए सहायता लेकर आइए, इनसे अकेले नहीं निपट पाएंगे। नहीं राघव, हम तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे मैडम जाना पड़ेगा ना आपको, जाइए जाइए ना। जय बजरंग बली। क्या बात है मृति, आप तो बड़ी सुंदर लग रही है। जेल में रहकर लोगों के चेहरे बुझ जाते हैं, पर आप में तो और निखार आ गया।
लीला क्या बात है, आज हमारे लिए खाना तुम लेकर आई हो? हाँ। कल तो कौन और आया था? हाँ आज हम आए हैं, कल राघव भी आए थे। हाँ। पूरे हवेली में सबसे निकम्मा तो राघव ही है, तो हमका लगा कि कल की तरह वही आ जाइए। हाँ दीदी, अगर वो घर पे होते तो शायद वही लेकर आते। जब तुम हमारे लिए कितना सारा खाना लेकर आई हो लीला, छप्पन भोग लाने की क्या जरूरत थी? ये सब अंजोड़ी करास्तानी है, उसने घर में बना हुआ सारा खाना आपके लिए पैक करा दिया और राघव भैया और चकोर भाभी को बाहर भेज दिया। बाहर भेज दिया पर काहे? अंजोर की इच्छा थी कि राघव भैया और भाभी एक साथ अपना दिन बिताए। दीदी और राघव एक साथ पूरा दिन? हाँ एक साथ, वो भी पूरे दिन। अरे आप खाइए ना, और कुछ चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा, अंजोर वो भी भिजवा देगी। हमारा मन नहीं है, हम नहीं खाना चाहते कुछ। पर चकोर भाभी ने तो सब आपके पसंद का ही खाना भेजा ना दीदी। कोई बात नहीं, अब भूख नहीं है तो कैसे खाएंगे? अब ये जो भी खाना लेकर आई है लीला, दूसरे कैदियों में बांट दो। क्या हुआ लीला, तुम हमारे लिए इतने प्यार से जो खाना लाई थी दूसरों में बांट तो रहे? अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो बोल दो, तुम्हारे लिए हथकड़ी मंगवा लेते हैं। नहीं नहीं आप अपना ध्यान रखिए, हम चलते हैं। कोई है? बचाओ, कोई है? कोई है? हमें मदद चाहिए, बचाइए हमें, बचाओ। मैडम आपकी जान निकल जाती तो बजरंग बली से कह के फिर से जान डलवा देते हम। चलिए ये सब छोड़िए, इस रास्ते से वापस चलते हैं। नहीं पहले तुम हमें ये बताओ, तुम्हें मालूम था ना कि हम तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ पे किसी को मदद मांग रहे थे, और तुमने अगर उन गुंडों से निपट लिया था तो हमें फोन नहीं कर सकते थे। अरे मैडम क्या कह रही हैं आप, फोन तो हमने उन लोगों को दे दिया था ना आपके सामने, तो फोन कैसे करते हम? तो फोन वापस लेके फोन करते ना हमें। हाँ हाँ ऐसा कर सकते थे, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, फोन तो करना चाहिए था। अगर फोन नहीं कम से कम खत तो लिख ही देना चाहिए था। हम भी तो वही कह रहे ना। मैडम आप क्या कह रही हैं, गुस्से में आपका दिमाग नहीं चल रहा है क्या? तुम ही कहती है खत लिखेंगे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.